ये लेह लद्दाख कभी मत जाना भाई। दोस्तों ने ऐसा भौकाल बनाया था लद्दाख का कि गिरते पड़ते हम भी पहुंच गए, मगर पहुंचे तो दिखा क्या। यहाँ से लद्दाख का सफर शुरू होता है तो दो रास्ते हैं लद्दाख पहुंचने के। या तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ले लेह की, या फिर हमारी तरह मनाली से शुरू करो कि बहुत लंबा रास्ता है। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, जानो कुछ वे रुको, आगे होगा क्या। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंडरलेस सिड के अंदर। आज हम जा रहे हैं मनाली, मतलब मनाली 60 किलोमीटर पहले रुक गए थे, बताया था आपने लास्ट ब्लॉक में, नहीं इसी ब्लॉक के स्टार्टिंग में देखा होगा। आप देख रहे हो मैंने कपड़े पहन लिए वैसे ठंड में, एक पता क्यों वो पहन के घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से रनिंग जैकेट डाल लेता हूँ, इनफ होता है यार। और जिस हिसाब से दिन में गर्मी हो रही है ना, अलग लेवल की गर्मी हो रही है ना। कल हमने 2.5 दिन बाद रेस्ट लिया था तो सोए भी बहुत खतरनाक है ना। ये व्यू, ये तो मनाली नहीं पहुंचे अभी, मनाली से 16-60 किलोमीटर दूर है, ये व्यू आ चुका है। और मनाली पहुंचते तो व्यू 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 होगा सिर्फ। ये देखो यार, मान भाई लगे पड़े हैं अपना बैग बांधने में, और ये बाइक किसी और की बट अच्छी है। ये देखो ध्रुव भाई राशन निकालते हुए, और ये कुछ हमारा टेंट है, बट टेंट देखो, टेंट रैपिंग ये सब चीजें दिखाना क्या है, बोरिंग करेगा है ना। टेंट देखो डायरेक्ट, ये 3 हवेलियां हमारी, दो कोठियां है, एक चुकी है। यही था जो भी, इसमें 3 लोग रह रहे हैं, इसमें 3 लोग, इसमें अकेला मोगा और डर गया मोगा है ना, तो मजे लेंगे। अरे ये अरमान भाई, और डालो चाय, चाय पत्ती और डालो। नहीं हम अपनी सारी कंपनियों के साथ। और उमी भाई कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया भाई, भाई। चाय वाय पी के? चाय चल रही है, चल रही है। और शाम भाई सब बढ़िया? अमान भाई और मोगा हिमांशु, मोगा हिमांशु की हाल चाल? मोगा भाई बिल्कुल चाय फोकस करते हुए, क्योंकि बनाई नहीं जानता। और ये ध्रुव भाई है ना, और इस व्यू के साथ चाय, समझ रहे हो, चाय और ये व्यू मिल जाए ना तो कुछ कमी नहीं है, है ना। ये खूबसूरत बादल और इसके साथ आपका मनोरंजन बहुत अच्छे से हो रहा है, मेरा तो हो ही रहा है। राइडिंग जैकेट पहन रखी है ना तो अंदर से गीला हो गया हूँ, और आप हवा लग रही है तो ठंडी हवा ले रही है, तो इसी के साथ मजे लेते हैं यार। कल मैंने देखा रात का, रात में अराउंड अराउंड 18 का टेम्परेचर होगा, मनाली से 60 किलोमीटर दूर का 18 टेम्परेचर आ गया था रात में, गया था। और हम जा रहे हैं माइनस में भी होगा। मनाली है सिर्फ 49 किलोमीटर, पकाएंगे और पहुंच जाएंगे मनाली के साथ पहुंचेंगे और मजे लेंगे। ये ध्रुव भाई आ गए क्या? आ रहे शायद, मुझे दिखाई दे रहे, ये वाइट में चल रहा है ना मेरा भाई। और भाई सच में यार, जब हमने रायदी से गाड़ी चला रहे थे, मतलब डे नाइट ठीक है, 24 घंटे ऑलमोस्ट पूरे हमने गाड़ी चलाई है, तो उसके कारण नींद की प्रॉब्लम बहुत हुई है। ले है 485 किलोमीटर, ले जाना हमें वाला पूरा 500 किलोमीटर है, 15-20 किलोमीटर तो ऐसे ही हो जाता है ना। पहले ध्रुव भाई का एक्सीडेंट हो जाता कल ही, और उसके बाद मेरा, जस्ट मैं भी पीछे चली रहे थे, अभी अभी चल रहे हैं हम आगे पीछे, हम ऑलमोस्ट ऐसे ही चलते हैं हम दोनों, चाहे हम राइड किसी के साथ भी कर रहे हो, हम दोनों की गाड़ी ऐसे चल रही होती है। तो ऐसे ही ध्रुव भाई की गाड़ी के आगे कुत्ता आया, और ध्रुव भाई गाड़ी की कुत्ता गया और मेरी गाड़ी के सामने आ गया यार, ऐसे यार।
और जिस टाइम हम आए थे ना उस टाइम तो सच में मनाली जाने के लिए भी एक स्ट्रगल होता हुआ करता था, और अब जब से हाईवे बन गए हैं स्ट्रगल का तो नाम ही खत्म हो गया है मनाली तक। मनाली के बाद तो अटल टनल के बाद तो स्ट्रगल स्ट्रगल है ना। गूगल मैप में देख सकते हैं ना हम कितनी दूर पैदल। यार जीटी में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया और हम यहाँ खड़े हैं आधे रास्ते में खड़े हो गए लद्दाख से। हमने पेट्रोल इसलिए डलवाया था कि अटल टनल से पहले हम डलवा लेंगे, और जीटी में ये खड़ी है और ये पेट्रोल निकाल लेगा। ओमी भाई की गाड़ी में से पेट्रोल निकाल रहे हैं, बाकी आगे भी चेक कर लेंगे यार हम, है ना। अरे काम करना छुट्टी है, पेट्रोल डलवा लो तो पेट्रोल ना निकाल लें ओमी भाई की, क्योंकि बिल्कुल डाउन पड़ गई है गाड़ी अब यार। गलती हो गई मेरा मुंह तो नहीं सकता है, ये नहीं पी जाती तेरे पे ना, ये भी मुंह का भाई क्या पी लेते हो, पेट्रोल नहीं लेगा फिर आगे। अब पेट्रोल खत्म हो गया यार, कोई तो 2-3 लीटर दे दो, 10 लीटर दे दो, जिट्टी बापू खड़ी है। जिट्टी को लगी भूख आधे रास्ते में, हो गई ये बैठ गई एक जगह ही, इनने तो आना जाना मना कर दिया, भूख लग गई। जिट्टी पेट्रोल, जिट्टी में पेट्रोल की कमी होते हुए ये कहां से मुतर रहा है, पीछे से पानी मैं कह रहा हूँ यहाँ से डाल ला, यहाँ से निकल। तो यही रोड आएंगे ऐसे ही, अटल टनल पहुंच गए हैं। सर ये बंद कितने बजे होगी है, चार पांच का भाई को बता रहा हूँ।
हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच गए अटल टनल। अटल टनल पे पार करेंगे, उसके बाद चल रहे हैं अपने लद्दाख के ट्रिप के लिए। तो चले चलते हैं यार, एक दो फोटो खिंचवाते हैं और चलते हैं फटाफट। अब हम पहुंच गए हैं अटल टनल, अल्टा में पहुंच चुके हैं और अभी हम जाएंगे। ध्रुव और ओमी भाई का वेट कर रहे हैं अटल टनल पहुंचते ही। हम जैसे ही वो आएंगे वैसे हम निकल लेंगे अटल टनल, और आते वक्त कोशिश करेंगे आते वक्त फोटो खिंचवा लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरमान भाई फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना। आपको हमारा वेट करते हुए कैसा लगा यार? हम भी क्या करें, पेट्रोल खत्म हो गया तो कोई रीज़न नहीं है। अब हम अटल टनल पहुंच गए हैं और अपन जा रहे हैं अटल टनल के अंदर। तो चलो चलते हैं मेरे भाइयों और बहनों, चलो चलते हैं। भारत माता की जय। सेफ राइड, सेफ जर्नी। वाओ, नो स्टॉपिंग, अब छोड़ो। ओहो, अब हम अटल टनल के बाहर। देखो तुम चमक गए। चमक गए। ओ हो, मौसम चेंज, वादियां चेंज, जो हो हम हो। क्या कह रहा है? ये हम पहुंच गए डिस्कवर, और ये मेरी चीटी, और ये सी बी साइन विद ओमी ड्राइवर, है ना। और ये अब हम अटल टनल पहुंच चुके हैं, और अटल टनल के पास अच्छे सा व्यू, है ना, मज़ा आ गया। फिर आगे जाते बढ़ते। ये रोड डाइवर्ट हो रहे हैं गाइस अटल टनल के बाद, तो चलो चलते हैं। तो पहले HDFC के अंदर ही लेटा मिलूंगा मैं। परमिट इसलिए टू व्हीलर 50 रुपए। कार 200, SUV 300, बस ट्रक 500 रुपए, और ये टू व्हीलर 50 रुपए। हमारी 50 रुपए कटेगी, और कटवाते हैं और चलते हैं। और बर्फ तो यहीं पर भी है, यहीं चले क्या? घेर लिया हमें तो घेर लिया। ओ भेड़ ग्रुप ने घेर लिया हमें तो। देखिए
रखी थी सब्जी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए दुकान, तो हमने ले ली है। ये सब ले रहे थे, मैं आया देखने क्या क्या ले रहे हैं। इसमें शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, गोभी, खीरा ले रहे हैं हमारे सलाद में नहीं, सैंडविचेस के लिए। और अरे नहीं, वैसे भी बता रहा हूँ ना। भूख लगी, भूख लगी जोरों से, भूख लगी। नेक्स्ट फ्यूलिंग स्टेशन। हेलो गाइस, की हालचाल आपका सभी का। जैसा कि आपको पता, आज रात भी हम कैंप, मतलब कैंपिंग के लिए ही आए हैं। तीनों गाड़ी लगा दिए, एक गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी है क्योंकि शाम भाई और हिमांशु चार्ज पे लगा रखी है फ़ोन, है ना। ये थोड़ा सा गाड़ी चालू कर रखी है कि फ़ोन चार्ज हो जाए। और आज की कैंपिंग जो स्टोरी है वो हमारी ये है। पहले तो आप ये देख लो, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। देखो व्यू, ये व्यू है, है ना। और हमारी कैंपिंग साइट जो है वो भी आपको दिखाता हूँ, वो ये है, है ना। ये है, यहाँ पर बॉन फायर करेंगे। ये हमारा टेंट है जिसमें मैं रहूँगा और ये उमी भाई एक टेंट और लगाएंगे, बाकी सारे मस्त हैं। ये कैंपिंग साइट देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही गजब है कैंपिंग साइट, है ना, इसलिए कह रहा हूँ। और कैंपिंग साइट देख के कैसा लग रहा है यार? ये राइडिंग आप करते हो वाइट टी शर्ट पहन के, तो ये हाल होता है राइडिंग जैकेट पहनने के बाद। देख लो ये उमा भाई, उमा नहीं क्या है, मोगा भाई खीरा काट रहे हैं और इसलिए हमने दो चुरा लिए हैं, है ना। और चले ये देख रहे छोटा बच्चा बन भाई, और जो भी करते हैं हम दिखाते रहेंगे आपको, है ना। ओके देखा, ये लकड़ी ढूंढते हुए आ रहे हैं, देख रहे हो, देख रहा हूँ बोन फायर के लिए लकड़ी, समझ रहे भी। कर रहे हैं एक क्विक स्नैक्स की तैयारी, फुल टीम को यार सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। एक सैंडविच ने भी उम्मीद को खिलाया, उम्मीद को बताएगा अम्मी लगा सही था इसमें भाई, बहुत बढ़िया था सैंडविच। अभी ये वाला और बेटर होगा, और मिल जाते थोड़ा पेट में राहत मिलेगी, उसके बाद हम थोड़ा सा काम करेंगे, फिर मतलब खाना ना बनाएंगे और सो जाएंगे। बाकी साइड तो दिखाई थी आपको, लगाया कहाँ है, सैंडविच खाते हैं, बाकी सब्जियों का टेस्ट ही। अब हम ये खाना बनाने की तैयारी चल रही है और देख सकते हो इतनी रात में जो हम खाना बनाते हैं वो यही है ना। ये निकलेगा ही, निकलेगा तो निकलने दे अपने लफड़े पर, ऐसी बनाएगा। ध्रुव खाना बना रहे हो आप? खाना बन रहा है, आज बन रहा है, हमारे मेन्यू में है अंडा करी और प्लेन राइस। ध्रुव मैं कहूँगा जो